तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। जैसे कि आप सब जानते हैं, दिलीप कुमार साहब अब हम लोगों के बीच नहीं रहे। आज सुबह दिलीप कुमार साहब ने 7:30 बजे मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। उसके बाद वो हम सभी को छोड़कर इस दुनिया से चले गए हैं। तो माना जाता है दिलीप कुमार साहब का इस दुनिया से जाना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के योग का एक अंत है। माना जाता है कि आज शाम 4:30 बजे दिलीप कुमार को मुंबई के जुहू कब्रिस्तान में गुर्दे खाक किया जाएगा। कहा जाता है कि दिलीप कुमार साहब के निधन की खबर उनके पारिवारिक दोस्त फैजल फारूकी ने उनके ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके उनके फैंस को बताया था। जैसे ही दिलीप कुमार के निधन की खबर बॉलीवुड के स्टार्स को सुनने को मिली, काफी ज्यादा अंदर से टूट चुके हैं। माना जाता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी ज्यादा हड़कंप मच गया है। माना जाता है कि उनके शव को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल से उनके घर ले जाया गया है। यहाँ पर उनके परिवार के लोग और चाहने वाले उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए आए हैं। कहा जाता है कि बॉलीवुड के कई जाने माने सितारे भी दिलीप कुमार साहब के घर जाते हुए दिखाई दिए हैं। आप लोगों को बता दें कि बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर यानी कि धर्मेंद्र, जैसे ही उन्हें ये बात पता चली कि दिलीप कुमार साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, काफी ज्यादा टूट चुके थे और जल्द से जल्द अपने लोनावला वाले फार्म हाउस से भागे भागे दिलीप कुमार साहब के घर आए थे अंतिम विदाई देने के लिए। धर्मेंद्र के साथ साथ दिलीप कुमार साहब के घर के बाहर रूपम खेर और उसके साथ ही विद्या बालन को भी स्पॉट किया गया है। कहा जाता है बॉलीवुड के कई बेहतरीन सितारे दिलीप कुमार साहब के घर के अंतिम विदाई देने के लिए आए हैं। तो गाइस, यही थी आज की वीडियो जिसमें कि हमने आप लोगों को दिलीप कुमार साहब के बारे में बताया। साथ ही गाइस, अगर आप लोग दिलीप कुमार साहब के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही आप लोग कमेंट करके जरूर लिखिएगा RIP दिलीप कुमार।